इंटेंशन स्टूडियो बेसिकली डी स्टूडियो हम इसे कहते हैं क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट नेम डिवेंशन स्टूडियो। तो ये बना जी डिवेंशन स्टूडियो 2008 के अंदर जब मैं यूईटी से पास आउट हुआ। डी स्टूडियो ने काफ़ी काम किए हैं रेजिडेंशियल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल, उसके अलावा जो रिटेल शॉप्स हैं बेसिकली डिज़ाइनर शॉप्स, उसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस घर का जो एक्सटीरियर है और उसके ऊपर जो फसाद पे लाइट्स हैं वो मैंने शायद कम ही देखी। बेसिकली मैं चाहता था स्केल हो, एक बड़ा एक चीज़ नज़र आ रही हो प्रोमिनेंट, और कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। साइज़ सोचा नहीं था कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंटली हो तो गया, लेकिन इट्स आई थिंक इट्स सूटिंग परफेक्टली टू द एलिवेशन और बड़ा खूबसूरत लग रहा है एक बड़े स्केल के ऊपर लाइट्स हैं। डी स्टूडियो जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट क्वालिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं जो कि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और एक बेस लाइन होनी चाहिए हर घर के लिए। अगर ग्रे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा तो उसके ऊपर आप जैसी मर्जी फिनिशिंग कर दें वो घर हमेशा अच्छा रहेगा। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हाईएस्ट क्वालिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसमें ग्रे उसकी फिनिशिंग, उसके अंदर जितनी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब की सब वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ये जो घर है ये हमने खुद इन्वेस्ट किया इसमें, और डिज़ाइनिंग भी हमारी है। हमारे ऊपर कोई इस तरह का इन्वेस्टर नहीं था कि हमें बताता कि इस तरह कर लो, क्योंकि यूली इस तरह होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़े अपने ख्यालात भी और अपनी जो उसकी डिक्शनरी और उसको भी यूज़ करके वो चाहते हैं हम उस डिज़ाइन को उसके कहने पे वो काम करें, तो वो काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। और ये अक्सर हमारा होता है बिल्डर्स के साथ जो 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 इन्वेस्टर होते हैं, तो हम अपनी आप जो अपनी लाइन्स हैं और जो अपना एक एक डिज़ाइन एक सेंस है उसको पूरी तरह हम उस जगह पर नहीं कर पाते। और इस घर में मैं खुल के कर सकता था पेंटिंग्स तक, फर्नीचर मेरी मर्ज़ी का है, कर्टन्स मेरी मर्ज़ी के हैं, एवरीथिंग मेरे अपने जो डिज़ाइन सेंस को अच्छा लगता है मैंने उस हिसाब से किया है। आप जब इस घर को देखेंगे तो इसमें आपको एक हर कॉर्नर में बहुत खूबसूरत ग्रीन प्लांटर्स नज़र आ रहे होंगे। इस घर की एंट्रेंस लॉबी में हमने पाम ट्री रखा हुआ है, उसके बाद हमने इस घर के रूफ टॉप पे जिस टाइम आप देखेंगे तो वहाँ पे पाम ट्रीज लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत एक सिटिंग डेक बना हुआ है, ऊपर सिटिंग फर्नीचर बहुत खूबसूरत पड़ा हुआ है। तो आप एक खूबसूरत सा एक एम्बियंस क्रिएट होता है इन चीज़ों से। ग्रीन आपको फ्रेश करता है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग फॉर योर नॉट ओनली योर आइज बट इट्स ऑल्सो रिफ्रेशिंग फॉर योर सोल। और इस घर को जो भी देखता है वो लोग अब इस घर को पाम ट्री हाउस के नाम से भी बुलाना शुरू हो चुके हैं। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि हमने बहुत ज़्यादा ओवरडू चीज़ों को करना मुझे पसंद भी नहीं है पर्सनली, और हमने किया भी नहीं है। जितना फर्नीचर सूट कर रहा है उस जगह के ऊपर उस जगह के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सोच के रखा है, और जो सा ज़्यादा कमर्शियल टच उसे देने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं हमारे ही घर देख के कि यार ये आप लोग किस तरह के घर बना रहे हैं, लगता है कि ये रहने वाले घर नहीं हैं सिर्फ देखने वाले घर ही हैं। तो इस घर को जी हमने बड़ा टाइम दिया है और हर चीज़ को हर कॉर्नर को
सोचा है उसके ऊपर और फिर डिज़ाइन किया है। इस टीवी लाउंज के अंदर हमने कलर्स के साथ उसमें एक खूबसूरत एनवायरनमेंट और एम्बियंस क्रिएट किया। उसके बाद इसके अंदर डिमेबल लाइट्स हैं, ऑटोमेशन भी पूरा ऑटोमेटेड है जिसको हम मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनुअल स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल होम और अलेक्सा से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कर्टन ऑटोमेटेड है। उसके बाद इसके अंदर हमने डिफरेंट सीन्स क्रिएट किए हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू वॉच अ मूवी वी जस्ट हैव टू से अलेक्सा टर्न ऑन द मूवी सीन और हमारी लाइट्स डिम हो जाएंगी, हमारा कर्टन क्लोज हो जाएगा, हमारा बल्कि टीवी जो है वो भी मूवी मोड के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपका जो टीवी का रिमोट है, हमारा जो एसी का रिमोट है वो भी हमारी ऑटोमेशन के अंदर फीड है। तो उसके थ्रू हमने गैजेट्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। आप खुद उसने अपने ही घर को खुद इंजॉय कर रहे होते हैं, बेसिकली ना सिर्फ आप रह रहे होते हैं बल्कि आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं। R&D करते हैं हम लोग यूजुअली यूट्यूब पे, मियामी विलाज, मियामी मेंशंस, LA मेंशंस, उनको जब देखते थे तो उनके अंदर किचन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता था कि एक बोल्ड किचन की तरफ वो लोग जाते थे। तो दैट्स व्हाट वी डिड। हम लोग रॉयल नेवी ब्लू और ज़ियारत वाइट्स के साथ हमने प्ले करके एक बड़ी मॉडर्निस्टिक और एक बड़ा खूबसूरत एक किचन की फील निकाली विच इज़ नॉट ओनली बोल्ड बट इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ द हाउस जो मैंने डिज़ाइन किया है, अगर इसकी कॉपी भी कर लें तो आप इसके नज़दीक शायद पहुंचना मुश्किल हो। बहुत सारे एरियाज में मोशन सेंसर्स का यूज़ किया है। आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक वेलकम सीन हमने इसमें क्रिएट किया हुआ है कि आपकी लॉबी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हम स्टेयर्स की तरफ आते हैं तो उधर मोशन सेंसर्स के साथ स्टेयर्स की लाइट ऑन हो जाती हैं, हम लोग वॉशरूम्स में जाते हैं तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वॉशरूम की लाइट्स जितनी नेसेसरी हैं वो ऑन हो जाती हैं। और कॉस्ट सेविंग इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, कॉस्ट सेविंग। इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, अगर एक एरिया में कोई बंदा नहीं है तो मोशन सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा कि ये खाली है तो वो उसकी लाइट्स ऑफ कर देगा। तो उस तरह ना सिर्फ हम लोग एक अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव कर रहे हैं बल्कि हम अपने मुल्क के लिए भी फ़ायदा कर रहे हैं कि बिजली को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं जी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से हूँ, जाना तो फौज में ही था, यही होता है, 8th क्लास में जाते हैं आप। कभी सोचा ही नहीं था मैं आर्किटेक्ट बनूँगा। हाँ, लेकिन जब टाइम आया FSC के बाद तो एडमिशन्स होते थे अच्छी जगहों के ऊपर, मैकेनिकल में भी और इधर उधर और भी, केमिकल और पेट्रोलियम उस वक्त बूम पे थे, लेकिन चले गए आर्किटेक्चर में क्योंकि शौक़ था रंग भरने का बचपन से, तस्वीरें बनाने का। और मेरी वालदा को भी शौक़ था और मुझे वो कहती थी बचपन में कि आर्किटेक्ट बनना।
हम लोग 1952 से फर्नीचर का बिजनेस है हमारा. आई एम थर्ड जनरेशन हु इज़ वर्किंग इन द फर्नीचर एंड इंटीरियर फील्ड. हमने इस घर के अंदर अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज किया. हम लोग महागनी वुड पे गए, हमने पूरा स्टेयरकेस महागनी वुड में किया, हमने डोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की, सारे हमारे डोर्स सॉलिड महागनी वुड में हैं, हमने अपनी सीलिंग्स के ऊपर से महागनी वुड लगाई. मार्केट के अंदर इस टाइम काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो दे जस्ट लुक लाइक वुड बट दे आर नॉट. जो एक लग्जरी फील एक सॉलिड वुड की आती है वो किसी भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट की उस तरह या किसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की वो उस तरह नहीं आ सकती जो एक सॉलिड वुड की एक लग्जरी फील आती है. तो मैंने अपना फैमिली एक्सपीरियंस इसमें यूटिलाइज़ किया और हमने एक बड़े खूबसूरत इस घर के सॉलिड वुडन डोर्स क्रिएट किए जो डिज़ाइन में भी डिसेंट खूबसूरत मिनिमलिस्ट थे और उनकी क्वालिटी जो है वो भी अबव पार है. घर की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जो ग्रे कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली 2 years to 2.5 years के अंदर हुई, जिसकी वजह से इसके ग्रे स्ट्रक्चर को क्योरिंग का बड़ा टाइम मिला. इस घर के अंदर हमने जो लाइटिंग और शैंडलियर्स ये सब कस्टमाइज्ड हमने प्रोडक्ट्स खुद सेल्फ इंपोर्ट की तरफ हम लोग गए. हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसके साथ हमने इसका ईच एंड एवरी लाइट शैंडलियर हर चीज़ पहले प्री डिज़ाइन की और उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया कस्टम मेड और देन वी एग्जीक्यूटेड इट. और हमने जिस जिस जगह के लिए जो चीज़ सोची थी एग्जैक्टली वो वैसी ही उसकी हमारी फिनिश प्रोडक्ट अपनी सामने आई हमारे. जिस तरह अपना घर जिसे कहते हैं कि हमने मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ, तो वाकई अल्लाह की तरफ से इसको ये उस तरह का मिल गया, टाइम भी और जो सा है हर चीज़ को ज़बरदस्त करने के लिए और सोचने के लिए. हमने इस घर का एक एक फर्नीचर उसके मुताबिक डिज़ाइन किया और उसके मुताबिक फिर हम लोगों ने उसकी प्लेसमेंट्स की, उसकी कलर थीम्स बनाई. हमारे बेडरूम्स में आप देखेंगे कि हमने बैक फीचर वॉल्स अपनी क्रिएट की हैं जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. और व्हाट आई थिंक के कंफर्ट, ब्यूटी एंड प्रैक्टिकलिटी मेक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एवर. जो हमारा मेन फोकस था और हमारा जो मेन गोल था और हम लोगों ने जिस तरह इसके ऊपर काम किया और वर्किंग की, वो हमने उसी तरह ही अचीव किया उस चीज़ों को कि क्वालिटी, लग्जरी, टेक्नोलॉजी, ये इन सब का बेसिकली एक मिक्सचर है और इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. हमारा हर घर एक वैल्यू फॉर मनी फील आपको देगा. हमारा हर प्रोजेक्ट अपने अंदर एक स्टोरी है. हमारे घर का हर कॉर्नर अपने अंदर एक स्टोरी है और हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को ऐसी चीज़ दें जिससे क्लाइंट ना के सेटिस्फाई हो बल्कि उसको देख के हमें 10 क्लाइंट्स और आ रहे हैं. तो ये हमारी सक्सेस भी है, यही हमारी कामयाबी है और यही हम लोगों के बेंचमार्क्स भी हैं. ऊपर मास्टर बेडरूम है, इसके अंदर इसकी फीचर वॉल्स और इसकी जो एक एम्बियंस क्रिएट की हुई है इसके साथ तो इसकी खूबसूरती है. लेकिन जो हमने ऑटोमेशंस के साथ इसमें प्ले किया है, डिमेबल लाइट्स के साथ, ऑटोमेटेड कर्टन्स के साथ, आप हमने इसका कर्टन्स के स्केड्यूल्स बना दिए हैं. सुबह के टाइम कर्टन्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और उससे बाहर जो बेसिकली हमारे पास व्यू आ रहे होते हैं वो हमने अपना मिडिल टेरेस घर का उसकी प्लेसमेंट के साथ इस रूम को प्लेस किया हुआ है, जिससे
कर्टन्स खुलने से ना सिर्फ हमें लाइट आती है बल्कि बाहर एक खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन भी नज़र आ रही होती है, और उसके अलावा हमारी वेंटिलेशन का जो एक बहुत ज़रूरी है हर घर के अंदर, उसको हमने इसके साथ कोप अप किया हुआ है। और ये जो दोनों कर्टन्स हैं, ये दोनों कर्टन्स जिस टाइम हमारे खुलते हैं तो ये रूम इतना ब्राइट और खूबसूरत और एक लाइवली हो जाता है, जिससे एक खुला और एक ओपननेस का एहसास होना शुरू हो जाता है। ग्रीनरी को क्लीन एंड ग्रीन, इको फ्रेंडली होम्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। आज हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं और जो प्लांटेशंस कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों के लिए बेसिकली एक गिफ्ट है उनके लिए, कि उनको एक साफ आबो हवा और एक साफ और खूबसूरत और ग्रीन इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं। और व्हाट आई थिंक कि सब लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए और एक ये बहुत खूबसूरत एक ज़बरदस्त ट्रेंड क्रिएट करना चाहिए। आप घरों को, बल्कि अपार्टमेंट टावर्स को और आप कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी ग्रीनरी की तरफ लेके आएँ, जिससे एक ना सिर्फ खूबसूरती क्रिएट होगी बल्कि एक क्लीननेस और साफ सुथरी हवा क्रिएट होगी। घर हमारा बिल्कुल सिंपल है, ज़रा वाइटिश स्टोन में रखा है। इसकी पेंटिंग्स हमने चूज़ करने में, ढूंढने में खासकर बड़ा टाइम दिया, और उसके ऊपर बड़ा हमने जौन सा है सोचा कि किस तरह की पेंटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि पेंटिंग्स ही इस वाइटिश जो महल नुमा जगह है इसके अंदर रंग लेके आ सकती थी। तो हमने पेंटिंग्स बड़ी ज़बरदस्त इसके घर के अंदर लगाई हैं, और फर्नीचर इट्स अ ब्यूटिफुल सिंपल फर्नीचर, थोड़ा हैवी नहीं है, थोड़ा लाइटिश टच है उसके अंदर। द क्वालिटी विच वी ट्राइड टू प्रोवाइड एंड विच वी एग्जीक्यूटेड, आप जब इस घर को फिजिकली देखेंगे तो वट वी बिलीव एंड वट वी एक्सपेक्ट के एवरीथिंग विच वी डिड एंड द लग्जरी, द मिनिमलिस्टिक, द डिसेंसी would be justified by the price which we are offering this house.